आप देख रहे हैं फ्लैशबैक 2016 जी बिजनेस स्पेशल, जहां हम बात कर रहे हैं जेंसम ज्वेलरी स्पेस की। और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं फोन लाइन पर। बलराम गर्ग हैं हमारे साथ, जो कि एमडी हैं पीसी ज्वेलर्स के। मिस्टर गर्ग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस एंड थैंक यू आपने समय दिया जी बिजनेस को। पहला कॉमेंट आपका तो यही, आपसे मैं यही लेना चाहूँगी कि अभी स्थिति कैसी लग रही है, क्योंकि डी मोनेटाइजेशन ने जाते जाते इस साल का जो अंत था स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनियों के लिए, ज्यादातर सेक्टर्स के लिए इनफैक्ट, वो थोड़ा सा बिगाड़ा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अभी कैसी स्थिति? जी हाँ, तो जो जब जब ये 8 नवंबर को जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, तो उसके बाद सेल्स काफी डाउन हो गई थी, पर हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक सेल्स बहुत इंप्रूव कर रही है और फुटफॉल इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों के पास कैश आ रहा है, लोग धीरे धीरे, फर्स्ट वीक में जैसे सेल्स काफी डाउन थी, उसके बाद सेकेंड वीक में उससे थोड़ा कम डाउन थी, तो धीरे धीरे फुटफॉल इंक्रीज हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में बिजनेस जो है वो नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहा है और वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, 2017 के लिए आउटलुक क्या रहेगा आपका पीसी ज्वेलर्स पर, स्पेशली तब जब ज्यादातर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड रहेगा गोल्ड कीमतों का वो टूवर्ड्स डाउनसाइड ही रह सकता है, आपका क्या व्यू है? मेरा थोड़ा सा व्यू थोड़ा इसमें अलग है, क्योंकि गोल्ड जो है, क्योंकि जो भी लोग बोल रहे हैं वो इस वजह से बोल रहे हैं कि फैड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट कर दिया है जी। जैसे जैसे फैड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, थोड़ा सा गोल्ड की कीमतें डाउन होंगी, बट क्योंकि हमारा, मुझे लगता है हमारा रुपया भी उसके हिसाब से वीक हो जाएगा। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करता हूँ, तो या तो मेरा आउटलुक स्टेबल का, या थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंक्रीज होंगे रेट्स, क्योंकि हमेशा होता है कि जब भी सेंटिमेंट, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ भी लोगों का रुख है। यूएस मार्केट थोड़ा सा पिकअप कर रही है, बट बाकी अगर मार्केट्स देखेंगे, चाइना है या यूरोप है, वो मार्केट्स डाउन है। दूसरा, हमें लगता है कि रुपया थोड़ा सा वीक करेगा और इंडियन मार्केट में जो रेट है वो, ये मुझे लगता है तो स्टेबल रहेंगे या थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा जी। इसके अलावा अब जो बजट आ रहा है उसकी भी काफी अहमियत होगी, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ड्यूटी की है, कि 10% ड्यूटी जो है, क्योंकि स्मगलिंग उसकी वजह से बढ़ती है और जितनी भी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सब ड्यूटी को लेके होती है, क्योंकि स्मगलिंग बढ़ने से क्या होता है कि कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से छोड़कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चला जाता है, जहां पर की कैश में ही बाइंग होती है, कैश में सेलिंग होती है, जिससे ब्लैक मनी जो है वो बढ़ती है सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जरूर इसके ऊपर ध्यान देगी और हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि अगर ड्यूटी कम हो जाती है तो बहुत सारी डिमांड खत्म हो जाती है, जैसे कि लास्ट ईयर डिमांड थी 10 नंबर की, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब बाइंग कैश चेक से स्टार्ट हो रही है, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी डिमांड वो ड्यूटी की है। दूसरा, इस सेक्टर में जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है बाकी सेक्टर्स के लिए है वो इस सेक्टर में नहीं है, वो एक बड़ी डिमांड है कि इसमें वो उसको लागू किया जाए। तीसरा जो है, क्योंकि इस पे अभी गोल्ड पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी को इंकरेज किया जाए और गोल्ड, प्योर गोल्ड की सेल को डिस्करेज किया जाए जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर गर्ग, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज आपने शेयर किए। राजेश, पीसी ज्वेलर्स पर तो आपका कमेंट मैं लेना ही चाहूंगी, क्योंकि करेक्ट हो रहा है ये 2-3 दिनों से। और एक मैं गीतांजलि जेम्स पर भी लेना चाहूंगी, जो कि एक अकेला स्टॉक रहा है इस पूरे स्पेस में जिसने रिटर्न दिए हैं, वो भी 40% तक के। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। गीतांजलि जेम्स की जैसे मैंने बात की आपसे, 58.50 के आसपास का इसका करंट मार्केट प्राइस है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है वो रफली है 55-54 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि गीतांजलि जेम्स एक अंडर परफॉर्मर रहेगा, मुझे लगता है ओवरऑल इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। मे बी ये ओवरऑल जो डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर रहे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर है और यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो अगर यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाइंग करना है तो 55 के ऊपर लॉन्ग करिए, स्टॉप लॉस एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए 52 के आसपास। मुझे लगता है अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है तो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा रफली 67-68 का, और अगर वो भी निकाल दे तो 80 तक का जाएगा। सेकेंड काउंटर वॉज पीसी ज्वेलर्स, राइट जी। देखिए, पीसी ज्वेलर्स में एक शॉर्ट टर्म बेस यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनता है वो 350 के आसपास है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा, लेकिन वो सेल ऑफ कहीं ना कहीं 300 के आसपास एब्सॉर्ब हो चुका है और फिलहाल के लिए मुझे लगता है काउंटर खुद को संभाल रहा है, सेटल हो रहा है। अगर 350 का लेवल होल्ड करे, यानी यही बात है कि अगर 350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर हम लॉन्ग करें तो यहाँ से जो रिटर्न आएगा वो रफली 410 और सेकंड टारगेट रफली अराउंड 440 रहेगा। सो यस, काउंटर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 350 का।
जी चलिए, शुक्रिया राजेश आपका भी शामिल होने के लिए शो में, और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के।